हाय फ्रेंड्स, ताक्षु की रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ बबीता और आज हम बनाने वाले हैं एकदम पुराने तरीके का चिकन बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में। और जो ऐसा चिकन बना रहे हैं कि हमारे दादी हमारे मतलब 100 साल पुरानी रेसिपी है। इतने पुराने समय जो सिल्वर टेप पे पीस के जो मसाला बनता था कैसा चिकन बनता था वो आज हम बताने वाले हैं आपको। और आज के ज़माने में जो नए नए तरीके के चिकन जो बनते हैं ये वाले चिकन के सामने उसका टेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ इसमें बताऊंगी एकदम बारीकी से कि चिकन हमें बॉईल कैसा करना है क्या करना है। और इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार अगर ये रेसिपी आपने बना के ट्राई कर ली और टेस्ट कर ली ना तो पुराने सारे तरीके आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे और यही रेसिपी आप हमेशा बनाओगे। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2-3 पानी से और इसको एक बाउल में ले लूँगी। उसके बाद नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं हम। नमक 1 ही चम्मच डालेंगे, मैं बाद में भी आपको बताऊँगी फिर। और बड़ा चम्मच भर के एकदम हल्दी डालूँगी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है हमको, वो क्यों डालना है मैं बाद में आपको बताऊँगी। इसके बाद देखिए इसको 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हल्दी हमने क्यों डाली है ज़्यादा, हल्दी डालने से चिकन का जो अजीब सा जो महक आती है ना वो नहीं आती है, इसीलिए आपको हल्दी इसमें ज़्यादा ही डालना है। 1 के बिना आप 2 चम्मच भी डाल दोगे ना तभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हल्दी आप हमेशा ज़्यादा डालिए। इसको हम ढक के रख देंगे साइड में। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें डालूंगी मैं तेल। सरसों वाला तेल डाल रही हूँ मैं, आप कोई भी तेल ले सकते हो। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, तेल हमारा गरम हो गया है अभी, उसके बाद देखिए बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ 1, उसको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को ऐसे हमको भूनना उनना नहीं है। और देखिए जो चिकन मैंने रखा था ना मैरिनेट करके, ये हमको ये कुछ नहीं ऐसा 15 मिनट भी आप रख दोगे ना फिर भी हो जाएगा, ज़्यादा समय तक हमें नहीं रखना है। और इसको देखिए गैस को तेज रख के अच्छे से भून लेंगे हम इसको। अब इसको बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पानी हमने एक भी बूंद नहीं डाला है अभी। इस पे रख देंगे हम एक प्लेट रख देंगे और प्लेट के ऊपर डालेंगे हम पानी और गैस हमको एकदम स्लो कर देनी है। ये हो गया, पुराने ज़माने में चिकन इस तरीके से पकाते थे, पानी डाल के नहीं पकाते थे। अभी हमारा चिकन आराम से पकेगा। प्याज ले ली हूँ मैं, 4 प्याज ली हूँ। आधी हमने सूखा नारियल ले लिया है, काट के मैंने इसको छील लिया है अच्छे से और इसको पानी में डाल के मैं धो लूँगी पहले प्याज को। आप हमेशा प्याज को अच्छे से धो लिया करिए, देखो ब्लैक ब्लैक भी लगा रहता है इसमें, इसीलिए हम इसको धो के पहले साइड में रख देते हैं, तब तक इसका पूरा पानी निकल जाएगा। अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है हमको प्याज को। देखो अब इसके बीच में का जो येल्लो वाला जो पार्ट रहता है, वाइट येल्लो, उसे हम चाकू के नोक से निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है। ऐसे ही हम बाकी के भी प्याज है उसका भी हम नोक निकाल लेंगे। इसका निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत से लोग नहीं निकालते लेकिन ये निकालना चाहिए। और इसको मैं काट कैसे रही हूँ आप थोड़ा देखिए, पूरा नहीं काटी हूँ, बस हमको कट लगाने हैं। 2 बार कट लगाई हूँ, मतलब 4 कट हमारे प्याज में लग गए हैं। आपको देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें एकदम आराम से बता रही हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप ये मत कहिए कि वीडियो तेज़ है तो भगा भगा के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही देखोगे तभी आपको ठीक से समझ आएगा। नारियल ले लिया हमने आधा। अब देखिए गैस पे हम लोग जिस पर हम बैंगन वेंगन भूंजते हैं ना उसी पर हम इसको भूंज लेंगे प्याज को। देखिए पहले के ज़माने चूल्हे पे प्याज सीधा चूल्हे में डाल के भूनते थे, लेकिन अभी तो हमारे पास चूल्हा नहीं है ना तो हमको गैस पे ही भूनना पड़ेगा। ऐसे ही चिमटे से मैं इसको भूंज लूँगी अच्छे से काला होने तक, एकदम काला ऊपर का छिलका ना हमारा हमको अच्छा काला करना है, क्योंकि हमारा चिकन का लुक ही जो बनने दिखेगा ना आपको वो काला ही दिखेगा, कि काला ही मसाला हम बनाएंगे इसमें। देखिए इसका कितना छिलका काला हो गया प्याज का। इसी तरीके से हमको पूरा प्याज भूंज लेना है अच्छे से काला होए तक। इसको भी हम एक एक करके साइड में ले लेंगे। और उसके बाद मैंने जो आधा नारियल रखा है ना
उसे भी हम भूनेंगे। नारियल भूनते समय थोड़ा सावधानी से भूनना है आपको। नारियल में देखिए तेल रहता है तो तुरंत आग पकड़ लेता है, तो उसको मैं फूंक मारूंगी एक बार, देखिए फूंक मार मार के ही मुझे उसको भूनना है। ऐसा नहीं है कि आग लग गई है तो आप समझ लोगे कि नारियल भूंज गया है, नहीं, ऊपर से सिर्फ छिलका जलेगा अंदर से नहीं। इसी तरीके से 4-5 बार फूंक मार मार के मैंने भूंज लिया है। और हरी मिर्च को बीच में से पहले चीरा लगाना है, बिना चीरा लगाए आप ऐसे नहीं भून सकते हो, नहीं तो उड़ भी सकता है। सब चीज़ें भूंज के एक साइड में रख दिए। अब चिकन को देखिए, आप देखिए मैंने एक भी बूंद चिकन में पानी नहीं डाला था। अगर आपको सूखा बनाना है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो ऊपर में जो पानी रखी थी ना, वो पानी हम इसमें डालेंगे। चिकन स्टॉक हम बना रहे हैं, हमको तरी भी बनानी है ना अलग से चिकन की, इसलिए ऐसे ही हमको यहाँ पे कम से कम 90% हम चिकन पकाएंगे। हमारा 90% चिकन जब तक पकता नहीं है तब तक ऐसे ही हमें पानी डालना है। आप मटन भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मटन की भी इसी टाइप में रेसिपी बना सकते हो, सेम इसी तरीके से यही मसाला, आपको कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करना है। ऐसे ही आपको चिकन भी इसी तरीके से लेकिन पकाना पड़ेगा। चिकन पकाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। कुकर में आप एक सीटी भी लगा सकते हो, लेकिन बिना सीटी का बनाओगे तो उसका टेस्ट एकदम बढ़िया बनेगा। और देखिए आप चिकन स्टॉक देख सकते हैं, मैं चम्मच से देख रही हूँ कितना मोटा हुआ है कितना पतला हुआ है, आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से चिकन स्टॉक बनाइए। मेरे को जितना मेरे को तरीप चाहिए मैं उतना ही पानी डाल के इसको पका लूँगी। देखिए अच्छे से पक रहा है, इसको भी हम ढक के साइड में रख देंगे। अब देखिए जो नारियल प्याज और मिर्च हमने कर ली थी वो ठंडी हो गई है। अब इसको हमको मिक्सी में डालना है, नारियल के टुकड़े करना है छोटे छोटे। पहले नारियल के टुकड़े हमने कर लिए और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने किस तरीके से पीसा है आप देख सकते हो, सूखा पीसा है, पानी का एक बूंद नहीं डाला है। मिर्ची डाली हूँ अभी और प्याज, पहले नारियल और प्याज और मिर्ची एक साथ नहीं करना है, अलग अलग ही करना है हमको, और ठंडा होने के बाद ही करना है, गरम गरम में नहीं करना है। इसके बाद हम इसको भी पीस लेंगे। देखिए इसको पीस ले, प्याज का थोड़ा पानी रहता ही है उसमें, पानी आप नहीं डालोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका नहीं पीस रहा है तो छोटा जो एकदम चम्मच रहता है ना, एकदम छोटे चम्मच से 2 चम्मच डालिए, उससे ज़्यादा पानी में ना डालिए। इसके बाद मैंने चिकन भी उसमें से निकाल लिया है, चिकन और हमने चिकन स्टॉक अलग कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे तड़का। हमारा तड़का लगाने का स्टाइल भी एकदम अलग है। इसमें मैंने डाला है कांदा लहसुन मसाला। कांदा लहसुन मसाला आसानी से मिल जाता है बाज़ार में, उस पर जो मसाला हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे और इसको हमको भूनना है। इसको भूनने में टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि सब हमारा प्याज वैसा सब हमने पहले ही गैस पे अच्छे से भून लिया था, तो ये मसाला पकने में भी टाइम नहीं लगता है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई ऊपर से ना गर्म मसाला डालने वाले हैं, कुछ नहीं डालने वाले, एकदम कम मसालों में झटपट बनने वाली रेसिपी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, मेरे पास पहले से पिसा हुआ था इसीलिए मैं पहले से ही इसमें नहीं डाली हूँ प्याज के साथ। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप लहसुन अदरक उसमें डाल सकते हैं। इसको हमको अच्छे से भून लेना है, नीचे से जलने देना नहीं है, स्लो में हम इसको अच्छे से करेंगे, ढक देंगे। ढक के हम इसको 2 मिनट बाद वापस खोल के देखेंगे। देखिए तेल छोड़ रहा है मसाला, कोई इसी तरीके से मसाला, मसाले का कलर आप देख सकते हैं ब्लैक हुआ है। आपको इसमें हल्दी नहीं डालनी है, हल्दी डाल के इसका कलर चेंज हो जाएगा। वैसे ही चिकन में पहले से ही हल्दी है और उसका आधा मसाला हम इसमें डालेंगे अभी चिकन स्टॉक में। इसका हमारा बनेगा तरी, और इस तरी का टेस्ट अगर आप करोगे ना तो एकदम कमाल का, आप पूरी जो भी आपकी पुरानी तरीका आप सब भूल जाओगे, इतना इसका टेस्ट है बढ़िया। आप ऐसे ही इसको सूप की तरह भी पी सकते हैं और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, और हमको एकदम स्लो गैस में, एकदम स्लो में इसको पहले तेज़ में एक उबाल ले आएंगे, फिर बाद हमको इसके बाद हमको गैस इसमें स्लो कर देंगे। ऐसे ही देखिए तरी का कलर कितना अच्छा है, ऊपर ज़्यादा तेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। देखिए और अगर आपको इसको एकदम लाल कलर ऐसा लाना है ना तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो वाला यूज़ नहीं किया है। आधा मसाला हमारा, आधा हमको उसमें डालना है। इसके बाद वापस थोड़ा सा वही कांदा लहसुन मसाला हम डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद देखिए वो जो हमने अभी चिकन स्टॉक वाला जो तरी बनाया है ना,
तरी डालेंगे थोड़ा सा ही, ताकि मसाला हमारा ना जले करके, थोड़ा सा ही डालेंगे। उसके बाद देखिए बॉईल किया हुआ चिकन हम इसमें डाल देंगे। चिकन हमको, मैं बोली थी 90% या 80% हमको पकाना है, क्योंकि हम इसको में मिक्स करने वाले, तो हम चिकन मिक्स करते समय हमारा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए 100% हमको चिकन नहीं पकाना है, 80% या 90% ही पकाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ढक्कन ढक देंगे, गैस को हम एकदम स्लो कर देंगे, एकदम स्लो रखना है आपको। उसके बाद देखिए हमारी तरी तो एकदम कमाल की एकदम रेडी हो गई है। और देखिए किसी तरीके हमने इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया है, इतना सब हम कम सामान इसमें डाल के भी इसका टेस्ट एकदम लाजवाब, इसका टेस्ट एकदम अलग होने वाला है, एकदम अलग। अभी जो क्रीम वाले बनाते हैं काजू डाल के मलाई डाल के, वो सब कुछ भी नहीं, एकदम हेवी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, एकदम देसी स्टाइल में मैंने बनाई है, और एकदम पुराना ज़माना जो मेरी जिस समय मेरी नानी बनाती थी वो। बस एक ही है कि मिक्सी में मैंने मसाला पीसा है, वो लोग उस समय सिलवटे में पीसते थे। देखिए सूखा चिकन हमने बाउल में निकाल लिया है, इसके बाद हम जो तरी है वो भी निकालेंगे बाउल में, वो भी हमने निकाल दी है। आप सूखा वाला चिकन ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, और तरी हम चावल के साथ भी खा सकते हैं। इस पे हम ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी धनिया डाल देंगे इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा चिकन तरी और सूखा चिकन भी। अगर आप इस तरीके से रेसिपी एक बार ट्राई करोगे ना, तो पुराने सारे तरीके भूल जाओगे, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।